जनगर्मी को देखते हुए देखे रीते कल जो है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा एक लेटर जारी करवाया गया और उस लेटर में यह साफ कहा गया कि भीषण गर्मी को देखते हुए तमाम बिहार के सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया जाए। ऐसे में के पाठक को देखते हुए कहीं ना कहीं यह लेटर जारी किया गया था, जिसके बाद के पाठक ने कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की बातें सुनते हुए देखा जाए तो छात्र छात्राओं को छुट्टी दे दी लेकिन स्कूल बंद नहीं किया। ऐसे में अब जाकर शिक्षक और शिक्षिका जो है अभी भी स्कूल जा रही है। देखा जाए तो 6:30 तक जिस तरीके से समय सारणी थी वही समय पर कहीं ना कहीं आना जाना शिक्षकों को करना पड़ रहा है। शिक्षकों में आक्रोश है, कई सारे सवाल उठ रहे हैं। कहा यह भी जा रहा शिक्षकों के द्वारा कि स्कूल हम जाएंगे तो जाकर क्या करेंगे। ऐसे हमारे साथ बात करने के लिए शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष केशव कुमार है, जुड़ेंगे बात करें। केशव जी बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका। धन्यवाद भाई। कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से नीतीश कुमार के द्वारा लेटर जारी किया गया, जिसके बाद शिक्षा विभाग के द्वारा लेटर जारी करते हुए छात्र छात्राओं को छुट्टी दी गई, आप तमाम शिक्षकों को छुट्टी नहीं दी? अभिषेक जी, यह बिल्कुल सरकार द्वारा और सरकारी कर्मी पदाधिकारी द्वारा शिक्षकों का शोषण है, दोहन है, उनको परेशान करने का है। और यह दुर्भाग्य है कि आज विधायिका पर कार्यपालिका हावी है, मुख्यमंत्री के आदेश को भी शिक्षा विभाग के पदाधिकारी नहीं मान रहे हैं, उसमें तरह तरह से अपने मन से संशोधन कर दे रहे हैं। आपने देखा होगा कि मुख्य सचिव का पत्र निकला जो मीडिया में वायरल है कि मुख्यमंत्री के संज्ञान में आने के बाद मुख्यमंत्री के निर्देश पर निकला, जिसमें स्पष्ट है कि सभी विद्यालय हीट वेव को देखते हुए 8 जून तक बंद किया जाए, लेकिन उसमें शिक्षा विभाग अपना संशोधन कर दिया कि बच्चे नहीं आएंगे, शिक्षक जाएंगे। हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि शिक्षक हार मांस के ही बने हुए हैं या लोहा के बने हुए कोई रोबोट है? आखिर 6:30 से 1:30 तक क्या करेंगे? इससे तो बेहतर था कि 9:00 से 4:00 तक ही चलाते ताकि आराम से शिक्षक खा पी कर जाते, 4:00 जाते। अब बताइए 6:00 ये जो शिक्षक भूखे प्यासे जाएंगे, 35 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूरी से जा रहे हैं, उन्हें 5:30 से 4:30 घर से निकलना पड़ रहा है, 3:00 जगना पड़ रहा है और विद्यालय पहुंच करके 1:30 तक झक मारे कुछ नहीं। आपको ये देखिए दिखा रहे हैं हम, ये देखिए स्थिति, पूरा हाथ गर्मी में जल गया, पूरा हाथ जल गया है। इधर देखिए पूरा हाथ जो है गर्मी में जल गया है, और यह सिर्फ मेरा ही नहीं है, यह तमाम शिक्षक शिक्षिकाओं की स्थिति है। गर्मी में तो भड़क जा रहा है और कुछ काम नहीं है। अगर मान लीजिए कि वहां जाकर के कुछ काम करते, पब्लिक डीलिंग करते, लिखा पढ़ी करते तो लगता है कि चलिए आना सार्थक हुआ, लेकिन कोई काम नहीं है। ऊपर से आजकल हो गया है सफाई कर्मी की बहाली, उसके बाद ही नाइट गार्ड की बहाली, बहाली करना है एजेंसी को, मीडिया में फैला दिया गया है, रोज गांव के 10-20 आदमी आकर के हेडमास्टर को और एजेंसी को वहां पर बैठ के गलिया रहा है, गांव के लोग गलिया रहा है, मास्टर बैठ के गाली सुन रहा है, कोई काम भी नहीं है। और आप सोचिए जिस समाज से हम लोग मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, गांव में मध्यम वर्गीय और निम्न वर्गीय परिवार के बच्चे पढ़ते हैं, हर विद्यालय में 4-5-6 जेंट्स शिक्षक है और 4-5 लेडीज शिक्षिका है, और उसको बैठना है और पढ़ाना नहीं है। ये बद से बदतर स्थिति हो गई है, इसका काफी बुरा प्रभाव समाज पर पड़ रहा है। और क्या शिक्षक बेहोश नहीं हो रहे हैं? अभी कल तुरकोलिया में हमारी एक शिक्षिका बहन बेहोश हो गई थी, वो होश में नहीं आई, उनको ले आकर के हॉस्पिटलाइज करना पड़ा तब जाकर के होश में आई। ये क्या है, ये जो जल जा रहा है, पूरा हाथ जल जा रहा है गर्मी में, ये क्या शिक्षा का तो नहीं? तो आप शिक्षा को मानसिक टॉर्चर करके कैसे शिक्षा के सुधार कर सकते हैं? यह सिर्फ शिक्षकों का शोषण है और शिक्षकों को मानसिक टॉर्चर करने के उपाय है, शिक्षा की शिक्षा व्यवस्था यहाँ का पूर्णतः बर्बाद हो जाए, यही सरकार की रणनीति है। मानसिक भी आप लोगों को मिल रही होगी जिस तरीके से फरमान जारी हो रहे शिक्षा विभाग के द्वारा, मानसिक रूप से तो प्रताड़ित। मैं पहले भी कहा था और ये भी है, उसमें यह भी निकला है कि जांच जारी रहेगा, यानी 6:00 पदाधिकारी जाएंगे जांचेंगे, 1:30 जाएंगे जांचेंगे, और जो शिक्षक नहीं आएंगे उन पर कार्रवाई हो जाएगी। अभी एक कोटवा का मामला आया है कि एक शिक्षिका विद्यालय में नहीं थी, वो बजाबता अप्लीकेशन सीएल का स्वीकृत कराकर उस पर सीएल चढ़ाकर दूसरे को प्रभारी बनाकर गई थी, फिर भी उनका हाजिरी काट करके कार्रवाई कर दिया गया है पदाधिकारी को कि हमको नहीं मालूम है। अरे भाई, जिसको सीएल स्वीकृत करना है स्वीकृत किया चढ़ाया, उसमें आपको मालूम होने की क्या जरूरत है? तो यह पूरे बिहार की स्थिति है, एक शोषण है। किसी तरह से कहा जा रहा है कि तुम
जाओ और कहां जाएगा तो आदमी खोजेगा तो कुछ फॉल्ट नहीं मिल जाएगा, तो उसको खोजो और शिक्षा को लूटो। या लूट खसोट योजना का एक अभिन्न पार्ट है। केशव जी लगातार यह भी सवाल उठ रहा है कि आप लोग मानसिक रूप से जिस तरीके से प्रताड़ित हो रहे हैं, ऐसे में पढ़ाने में काफी ज्यादा परेशानियां हो रही है, काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्या इसमें सच्चाई है? यह बिल्कुल सच्चाई है। जब तक आदमी मानसिक रूप से स्वतंत्र नहीं होगा, एक स्वतंत्र मस्तिष्क में ही स्वतंत्र काम किया जा सकता है, और जब तक मानसिक रूप से हम स्वतंत्र नहीं होंगे तो हम क्या काम करेंगे। हम पर तो इतना ना चाबुक चलाया जा रहा है, कार्रवाई का ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसे कर देंगे, इधर फोटो खींचो, उधर खींचो। और सबसे अच्छा की बात है अभिषेक जी की, अलग अलग जिले में अलग अलग नियम बनाए जा रहे हैं, यह कहकर कि एसीएस सर द्वारा वीसी में आदेश दिए गए, वीसी में निर्देश दिए गए, जबकि ऐसी कोई बात नहीं। अगर वीसी में कोई निर्देश दिया जाता तो पूरे बिहार के लिए होता, लेकिन कहीं देख रहे हैं छपरा में अलग नियम, आरा में अलग नियम, औरंगाबाद अलग नियम, हर जिला में अलग अलग नियम लोग लगा रहे हैं, यानी अपने मन से लगा रहा है और एक टीम को छोड़ दे रहा कि उसको जाओ और नोच खसोट करके लाओ। तो आप लोग अब क्या करेंगे, क्या आंदोलन करेंगे या फिर कुछ और करने जा रहे हैं आप लोग, रणनीति क्या है जिस तरीके से प्रताड़ित परेशान किया जा रहा है आप लोगों को? देखिए हम लोग भी शोषण की प्रकाष्ठा को देख रहे हैं कि आखिर कितना हद तक सरकार जुल्म कर सकती है, कितना हद तक सरकारी पदाधिकारी नीचे गिर सकते हैं, ये देख रहे हैं। और जैसे ही आचार संहिता खत्म होगी उसके बाद हम लोग रोड पर उतरेंगे। अभी हमने कल ही वीडियो जारी करके कहा था कि हमारे बच्चे जो बेहोश हो रहे हैं, हम इस गर्मी में रोड पर उतर करके अपनी जान देंगे, लेकिन उनको जान जाने नहीं देंगे। तो हम रोड पर उतरेंगे और निश्चित रूप से बड़ा आंदोलन होगा शिक्षा में सुधार के लिए, क्योंकि किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा या बिहारी द्वारा हम बिहार के शिक्षा को बर्बाद होने नहीं देंगे, हम गरीब गुरुवे के बच्चे को पढ़ाई को बर्बाद होने नहीं देंगे, हम बिहार को बर्बाद होने नहीं देंगे। जब रोड पर उतरेंगे और शिक्षा में सुधार के लिए, शिक्षकों के मान सम्मान के लिए जबरदस्त आंदोलन करेंगे। देखिए जबरदस्त आंदोलन होगा आचार संहिता के बाद, यह केशव कुमार का ऐलान है। ऐसे में शिक्षकों में आक्रोश है और केके पाठक के फरमानों को देखते हुए प्रदेश अध्यक्ष केशव कुमार ने जमकर निशाना साधा है। साफ कहते हुए नजर आते हैं कि मानसिक रूप से शारीरिक रूप से परेशान किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है और बिल्कुल उचित नहीं है। जला हुआ हाथ भी दिखा रहे, साफ कहते हुए नजर आते कि ये गर्मी से धूप से हाथ जल गया है और ऐसे में जिस तरीके से स्कूल में भेज दिया जा रहा है, कोई पढ़ाने का काम नहीं है, कोई काम नहीं है, ऐसे ही भेज कर बैठाया जा रहा है। अगर शिक्षक अवेलेबल स्कूल में नहीं रहते हैं सीएलए कर, लेकिन देखा जाए तो अवेलेबल नहीं रहते, उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है जिस तरीके से पहले कार्रवाई की जाती थी उसी के तर्ज पर। तो फिलहाल केशव कुमार क्या कुछ कह रहे थे, क्या मांग कर रहे थे, आप प्रश्न आप देखने वाली बात यह होगी नीतीश कुमार शिक्षकों के हित में क्या कुछ करते हैं, छात्र छात्राओं के हित में तो उन्होंने कुछ किया, लेकिन शिक्षकों के हित में क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। और तमाम खबरों के लिए बन रहे हमारे साथ।